न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार, आपका बहुत बहुत आभार। क्वेश्चन आंसर्स पड़ेगा तो उसमें हमारे कितने ओबीसी सीएम हैं, बीजेपी के कितने हैं, इंडिया अलायंस के कितने हैं, वो सारे क्वेश्चन उसके जवाब से 3 हमारे पास। और फिर ये जरूर हो कि हमने पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई, ये बनाई, ये बनाई, वो हमेशा सवाल पूछते हैं कि वो कहेंगे कि कांग्रेस 33% प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देती, तो उसका ना बिल्कुल सीधा सा जवाब है, उसमें थोड़ा सा मैंने दे दिया। तो आप ये कहिए कि कांग्रेस तो कर रही है और उसका उदाहरण ये है, और हम भाजपा के विवेक पे क्यों छोड़ दें, वो तो कभी नहीं करेंगे, वो तो घोर महिला विरोधी है। हम किसी और क्षेत्रीय दल के विवेक पे क्यों छोड़ें, हम संविधान में सुरक्षित अधिकार बनाना चाहते हैं ना। आप करेंगे बात 10 की 20 की 25 की 30 की, हम कह रहे हैं 118 महिलाएं सांसद बने देश में और वो संविधान बना सकता है, कोई पार्टी नहीं करेगी। आप भी जान रहे हैं कांग्रेस ने जितना किया होता है उसका 10% भी नहीं करेगी। क्योंकि फिर वो 118 कांग्रेस भी लड़ाएगी, 118 भाजपा भी लड़ाएगी, पर ना हम लड़ा रहे हैं, दूसरा नहीं लड़ा रहा। दीदी अभी जो लिस्ट आई है इसमें एक भी ओबीसी नेता नहीं। कौन सी लिस्ट आई? 40 की लिस्ट कर रहा हूँ, सेकंड बार जाएगी इसमें एक भी ओबीसी महिला है। पक्का ओबीसी महिला भी नहीं अभी 89 दूसरी लिस्ट में ना, दूसरी लिस्ट में।